नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा गया। दिल्ली के द्वारका पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। द्वारका पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में काफी दिन से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पोलैंड जेल बेल सेल द्वारका जिले के पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राहुल पांडे है, जिससे दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में स्नैचिंग चोरी और एमवी चोरी के 12 मामले दर्ज है। द्वारका डीसीपी एम हर्षवर्धन के अनुसार आरोपी राहुल पांडे पर कई गंभीर मामले दर्ज है। जनकपुरी, नजफगढ़, डाबरी, द्वारका साउथ, बिंदापुर, रणहौला, मयूरपुरी सहित कई थानों में मामले दर्ज है। बता दें कि राहुल पांडे को द्वारका कोर्ट ने जुलाई 2023 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी। हाल ही में पुलिस को सूचना मिली थी कि राहुल पांडे अपने घर का पता बदलकर नांगली विहार इलाके में रह रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने नांगली विहार इलाके में कार्रवाई करते हुए राहुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। राहुल पांडे को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह, एएसआई सुरेंद्र सिंह, एचसी दिनेश कुमार और सिटी विशु सिन्हा शामिल थे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।